हमारे अंतरिक्ष में तैरते ये तारे सदियों से श्रद्धा और भय का विषय रहे हैं, लेकिन तारों की वजह से विनाश नहीं होगा। विनाश की वजह तो है धूम्रकेतु और ग्रहिकाएं जो अंतरिक्ष से आकर हमारे ग्रह से टकरा जाते हैं। इन्हीं आघातों से हमारा अतीत बना था और यही हमारे भविष्य का निर्माण भी करेंगे। हम एक ऐसे प्राकृतिक संकट की बातें कर रहे हैं जो मानव का सफाया करने में सक्षम है, यहाँ तक कि मानव प्रजाति का भी। अब चूंकि हमारे पास ऐसी क्षमता है कि हम संभावित खतरे को देख सके, तो हमें उन पर नजर रखनी ही चाहिए। हर रोज करोड़ों की संख्या में अंतरिक्ष से छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी पर गिरते हैं। ये टुकड़े धूम्रकेतुओं और ग्रहिकाओं के होते हैं। गिरने वाले इन टुकड़ों में से अधिकांश सुई की नोक के बराबर होते हैं, लेकिन एक सदी में एक बार इतना बड़ा टुकड़ा भी गिरता है जो एक पूरे शहर का सफाया करने के लिए काफी है। करोड़ साल में एक बार इतना बड़ा टुकड़ा गिरता है जो संपूर्ण प्रजातियों का खात्मा कर सकता है। पिछली बार 6.5 ऐसा बड़ा टुकड़ा गिरा था। इस तरह के दूसरे आघात का समय भी अब नजदीक है। हमारा चांद भी एक निशा है। इसके जन्म से ही इसकी सतह को अंतरिक्ष के मलबों के झटके लग रहे हैं। क्लेमेंटाइन नाम के अंतरिक्षयान से हम इसकी सतह पर बने स्थायी निशानों को देख सकते हैं। बुध ग्रह पर होने वाले आघातों की वजह सूर्य की खींचने और सूखने की जबरदस्त क्षमता है। छोटा सा बुध मासूम दर्शक बना आग की इस गोलाबारी के बीच फंस जाता है। अंतरिक्ष के पास अभी भी ढेर से शस्त्र हैं। धूम्रकेतुओं की विनाशक शक्तियों का हाल में बृहस्पति ग्रह पर प्रभाव पड़ा था, जब शूमेकर लेवी 9 नाम के धूम्रकेतु के टुकड़े इस ग्रह से टकराए थे। अगर ये टुकड़े पृथ्वी पर आकर गिरते तो इतनी बड़ी जगह का सर्वनाश हो जाता। यूजीन शूमेकर ने शूमेकर लेवी 9 को अपना नाम दिया है। उन्हें ऐसी टक्करों को देखने के लिए अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर दूर नजर दौड़ानी पड़ती। उनको मालूम है कि हमारी पृथ्वी भी एक आसान निशाना है। उनकी जांच पड़ताल अतीत में पृथ्वी पर हुए टक्करों के प्रमाणों के बारे में बताती है। मैं इस जगह की ये रूपरेखा 30 से भी अधिक वर्षों से देख रहा हूँ। दूरबीन से भी मैं अंतरिक्ष में धरती के पास स्थित ग्रहिकाओं की निगरानी कर रहा हूँ और वो पृथ्वी पर गिर भी सकते हैं। मैं ये गणना कर सकता हूँ कि वो वास्तव में कितनी बार पृथ्वी से टकरा सकते हैं। उनको कोलोराडो पठार की विशेष जानकारी है। मैं अनावृत तलों की औसत आयु भी जानता हूँ। उन्हें लगा कि वहाँ कहीं गहरा गड्ढा होना चाहिए। कोलोराडो पठार पर कहीं होगा, वो छुप नहीं सकता। वो सोचते रहे उनकी नजरों से ये बचा कैसे। और फिर मैंने अपने आप से कहा, शूमेकर बेवकूफ, 30 वर्षों से तुम इसे देख रहे हो। किस्मत से एक हफ्ते बाद मैं इनके कार्यालय गया, तब इन्होंने कहा कि चलो चलकर इस चीज को देख लिया जाए। मैं कैलटेक के एक युवा स्नातक विद्यार्थी के साथ यहाँ वापस आया। हमने कहा कि अगर ये गड्ढा आघात की वजह से बना है तो इसके बाहरी छोरों पर दरारें होनी चाहिए। हमने गहरी घाटी के चारों तरफ देखा तो सचमुच दरारें थी। आप भी इन्हें देख सकते हैं। ये इतने स्पष्ट दिखते हैं जैसे हमारे चेहरे पर नाक। यहाँ टक्कर से एक गड्ढा बना जो बाद में ढह गया और फिर उसके चारों तरफ बाहरी पत्थर अचानक अंदर की ओर गिर पड़े मूल गड्ढे में। इस वजह से यहाँ दरारें बनी। अभी तो ये गहरा गड्ढा है, लेकिन एक समय यहाँ सर्वनाश हुआ था। अगर अमेरिका के आधे आणविक हथियारों का एक साथ विस्फोट किया जाए तो उससे निकलने वाली ऊर्जा यहाँ गिरी ग्रहिका की ऊर्जा के बराबर होगी। हाल में ही एरिजोना में हुए उल्कापात की वजह से मेटियोर विवर का निर्माण हुआ।
हमारे पास अतीत में धूम्रकेतुओं और ग्रहकाओं के पृथ्वी पर हुए आघातों के बहुत अच्छे भूवैज्ञानिक प्रमाण हैं। इस तरह के 150 से भी ज्यादा विवर हमें पृथ्वी पर मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया का वॉल्फ क्रीक करीब 9 किलोमीटर चौड़ा है। उल्कापात के बाद बना बाहरी किनारा अच्छी तरह संरक्षित है। करोड़ 40 लाख वर्ष पुराना गॉसिस ब्लफ मौसम की वजह से घिस गया है। हेनबरी गहरे गड्ढों का समूह है। लगता है कि वहां टकराने से पहले उल्कापिंड टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया था। वहां अंतरिक्ष के अस्थाई वीराने में कई तरह के संघात करने वाले पिंड हैं। उनमें से कोई भी गहरा गड्ढा बना सकता है। कई ऐसी ग्रहिकाएं हैं जो 900 किलोमीटर दूर तक लंबी हैं और जो पत्थर तथा धातु के विशाल पिंड हैं। ये ग्रहिकाओं की एक पट्टी बनाते हैं जो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच परिक्रमा करते रहते हैं। इनकी तुलना में धूम्रकेतु छोटे होते हैं और ये बर्फ की मटमैली गेंद जैसे दिखते हैं। ये ग्रहिकाओं की तुलना में संख्या में भी ज्यादा है। इनकी लंबाई करीब 90 किलोमीटर तक होती है। सूर्य के नजदीक आते आते इनकी पूंछ अंतरिक्ष में करोड़ों किलोमीटर लंबी रेखा खींच जाती है। सौर मंडल के अंतिम छोर पर स्थित ऑट क्लाउड से धूम्रकेतु आते हैं। हमारे वायुमंडल में घुसते ही अंतरिक्ष का कोई भी छोटा मलबा जल उठता है और यही अग्निपिंड उल्का कहलाता है। हालांकि इनको टूटा तारा कहा जाता है, लेकिन तारों से इनका कोई वास्ता नहीं है। कभी कभी धूम्रकेतु या ग्रहिका का एक बड़ा टुकड़ा आकाश में एक अग्निपिंड की तरह तेजी से निकल जाता है। होम वीडियो पर ली गई ये तस्वीर एक अग्निपथ दिखाती है। ये अग्निपथ अंतरिक्ष से आए आग के गोले पर पृथ्वी के वायुमंडल की घर्षण शक्ति के जवाबी हमले से बना है। इस टक्कर से आग का गोला नष्ट होकर पिघल गया और कई टुकड़ों में बिखर गया, लेकिन कभी कभी ये विखंडन प्रचंड भी होता है। ১৯০৮ में रूस की टंगुस्का नदी से 7.5 किलोमीटर ऊपर हुए इस आग के गोले के विस्फोट से पेड़ बाहर की तरफ दूर दूर तक उड़ गए थे। 20 साल बाद भी ये जंगल आसमान में हुए उस विस्फोट की कहानी कह रहा है। कभी कभी हमारे वायुमंडल का कवच भी भेद दिया जाता है। 1947 में रूस के सिकोटे आइलैंड में यही हुआ। अंतरिक्ष के मिसाइल्स ने पृथ्वी के सुरक्षा कवच को भेद डाला। 1.5 टन का पिंड तो सिर्फ 70 टन के लोहे के उस पिंड का बचा हुआ भाग था जो अंतरिक्ष से पृथ्वी तक की नार की यात्रा के दौरान बच पाया था। वे पृथ्वी से इस गति से टकराए थे कि पृथ्वी की सतह से लगभग 26 फुट नीचे जाकर रुक पाए। गिरकर ठहरने के बाद इन टुकड़ों को उल्का कहा जाने लगा और उनमें से कुछ तो बहुत ही अजीब दिखते थे। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से ही उल्का यहां गिर रहे हैं। इंसानों के लिए लोहे के पहले स्रोत शायद धातु के उल्का ही थे। प्राचीन कुल्हाड़ियां लेकिन इनकी कीमत लाखों डॉलर्स है। इनकी उत्पत्ति की तरह ही उल्काओं की कीमत भी आसमान छूती है। रॉबर्ट हचिंसन मानते हैं कि आज की रात बिक्री के लिए रखे गए ये पत्थर असाधारण हैं। ये तीनों उल्का पिंड जो यहाँ बिक्री के लिए रखे गए हैं, ये दूसरों से बहुत अलग हैं। हमारे पास इस बात के पक्के प्रमाण हैं कि ये उल्का पिंड मंगल ग्रह से आए हैं। पहला, जिसका नाम शसिनिये है, वो 1815 में फ्रांस में गिरा था। इसका नाम शसिनिये इसलिए पड़ा क्योंकि उल्का पिंड जिस जगह पर गिरते हैं उसी जगह के नाम पर उनका भी नाम रख दिया जाता है। दूसरा उल्का पिंड नाइजीरिया के उत्तर में जगामी नाम की जगह पर गिरा था और तीसरा उल्का पिंड पत्थरों की बारिश के रूप में मिस्र में गिरा था। इनमें से एक तो गिरकर टूट गया और बर्बाद हो गया। अंतरिक्ष से गिरने वाली इन चीजों को लोग पसंद नहीं करते थे। हमें इस बात का पता कैसे चलेगा कि ये पत्थर मंगल ग्रह से ही आए हैं? नासा ने मंगल ग्रह पर 2 अंतरिक्ष यान भेजे थे और दोनों ने ही वहाँ पहुँचते ही मंगल के वायुमंडल में उपस्थित तत्वों का आकलन किया। जगामी उल्का पिंड में ऐसी गैसें मिली हैं जो मंगल ग्रह के वायुमंडल में हैं। तीन पत्थर जो पृथ्वी पर गिरे वे रॉबर्ट हेक जैसे लोगों के लिए वरदान बन गए।
उल्का पिंडों के व्यापार में इन्होंने लाखों डॉलर्स कमाए भी और गंवाए भी। हेट के लिए ये एक व्यापार है गंभीर किस्म का। उनके घर के नीचे उनके जीवन की पूंजी है। उनके घर का तहखाना अलादीन की गुफा जैसा है। इन कक्षों में दूसरी दुनिया के पिंडों के हजारों टुकड़े बंद हैं। कुछ को शायद खरीदा जा सकता है और कुछ को तो वो कभी नहीं बेचेंगे। कुछ उल्का पिंडों को वजन के हिसाब से बेचा जाता है और कुछ को कैरेट से। आमतौर पर उल्का पिंड चांदी के भाव बिकते हैं, कुछ सोने के भाव बिकते हैं और कुछ उल्का पिंड तो हीरों से भी ज्यादा महंगे हैं, जैसे मंगल से आए चट्टान या फिर चांद के चट्टान। हेग मंगल के इस उल्का पिंड की कीमत $60,000 प्रति औंस लगाते हैं। इस तरह से इस टुकड़े की कीमत करीब $60,00,000 हो जाती है। अगर आप पूरा पिंड नहीं खरीद सकते तो आप इसका टुकड़ा ही खरीद लीजिए। धंधे के लिए इसके टुकड़े भी किए जाते हैं। हेग सिर्फ दूसरों की मेहनत पर धंधा करने वाले इंसान नहीं है, अपनी जरूरत के लिए वो हर खतरा उठाने को तैयार है। ये जानना जरूरी है कि आपको क्या चाहिए और तब उस इलाके में खोज कीजिए। क्योंकि आपको मालूम है कि उल्का पिंड वहाँ मिले थे, इसलिए वहाँ कुछ और मिल सकते हैं, वो जो नजरों से बच गए हो। दूसरा तरीका है बंजर, रेतीले और सूखे रेगिस्तानों में जाकर चट्टानों या पत्थरों को खोजना, क्योंकि इन जगहों पर वो गिरे ही होंगे। रॉबर्ट हेग और उसकी जोड़ीदार हाइडी एरिजोना के रेगिस्तान की खाक छान रहे हैं। यहाँ वे अंतरिक्ष से गिरे पिंडों की खोज कर रहे हैं। ऊपर से वो पूरी जमीन का चप्पा चप्पा छान डालते हैं। हाइडी, सुन रही हो? दोहराओ। हाँ, सुन रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ कुछ चीजें देखी है, मैं वापस आकर इसकी जाँच करता हूँ। पत्थर है, आसार अच्छे लग रहे हैं, क्या तुम यहाँ आ सकती हो? तुम पहले आओ, मैं वही मिलती हूँ। इसे देख लो। ज्यादातर तो इनको साधारण कंकड़ के अलावा कुछ नहीं मिलता। मुझे लगता है ये स्टील का टुकड़ा है। पर्यवेक्षकों की तरह इनको बड़ी खोज की उम्मीद है। अगर कुछ मिल गया तो जिंदगी बदल जाएगी। कॉर्वेट मंगल की चट्टान के एक टुकड़े को बेचकर खरीदा गया था। जब बॉब को पहली बार मंगल ग्रह का ये पिंड मिला तो उसने उसका एक टुकड़ा दूसरे संकलनकर्ता को बेच दिया। मंगल की चट्टान की पहली कमाई से उसने नकद भुगतान करके ये कॉर्वेट खरीदा। चांद से गिरी चट्टाने भी हेग के लिए लाभदायक साबित हुई थी। उसने एक टुकड़े के लिए $60 दिए थे और अब उसकी कीमत लगभग $10,00,000 है। मेरे लिए तो उल्का पिंडों को जमा करना पिछले 20 वर्षों से एक शौक, एक जुनून और सारे समय का काम है। मैंने अपना जीवन, अपना पैसा और अपनी खुशहाली सबको दांव पर लगा दिया। ऐसी ऐसी जगहों पर गया जहां आप सोच भी नहीं सकते। वो उल्का पिंडों की खोज में जाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसका पासपोर्ट, पैसा और सामान तैयार रहते हैं। वो कुछ भी गिरने की खबर मिलते ही वहाँ 5 मिनटों में जाने के लिए तैयार रहता है। उल्का पिंडों की खोज में मैं कई बार मुश्किलों में फंस गया। सबसे बड़े उल्का पिंडों में से एक को खरीदने की कोशिश कर रहा था। 37 टन था। जो आदमी उसे अपना बता रहा था वो उसका वास्तविक मालिक नहीं था। पता चला खजाना था। मशीन गनों से लैस पुलिस आई और हम सबको पकड़कर जेल ले गई। हम लोग एक हफ्ते के अंदर छूट गए। पैसों का नुकसान तो हुआ, लेकिन मिला जुला कर बड़ा रोमांचक अनुभव था। वैसे तो हेग एक उल्का पिंड की पहचान 20 कदम पर कर लेते हैं, लेकिन वो प्रायः धातु पहचानने वाले यंत्र मेटल डिटेक्टर का उपयोग भी करते हैं, लेकिन कई बार ये भी धोखा दे जाती है। कुछ तार मिला। अपनी खोज के अलावा वे दूसरे लोगों द्वारा खोजे गए पिंडों का भी व्यापार करते हैं। वे दूर दूर के राज्यों से यहाँ तक चले आते हैं हमारे दरवाजे पर एक विशाल चट्टान लेकर। मैं ट्रंक खोलता हूँ, अरे ये तो उल्का पिंड है ही नहीं। इसके बाद 3 बातें होती है। पहली तो ये कि वे चौंकते हैं और फिर मुझ पर बरस पड़ते हैं। कहने लगते हैं मेरे दादाजी ने इसे गिरते देखा था और तुम उन्हें झूठा कह रहे हो। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर वे एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। तीसरी बात, वे मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं अब भी खरीदने में दिलचस्पी रखता हूँ। उन्नीस सौ 1984 में एलन हिल्स में खोज होने से पहले मंगल ग्रह का एक उल्का पिंड 30,000 सालों तक एंटार्क्टिका में दबा रहा।
पृथ्वी पर मिले दूसरी चट्टानों से ज्यादा बहुमूल्य इस चट्टान की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। ये इतिहास का सबसे ज्यादा सावधानी से जांचा गया भूविज्ञानी नमूना है। विश्लेषण बताते हैं कि इस उल्का पिंड में जैविक सक्रियता के असाधारण गुण हैं। इससे पता चलता है कि ये पिंड तब बना था जब मंगल ग्रह और भी ज्यादा गर्म तथा नम था। ये मंगल ग्रह का उल्का पिंड है। इसका नाम एलन हिल्स 8401 है। इसके गड्ढों में जैविक तत्वों के वैसे चिन्ह हैं जो मंगल ग्रह पर जीवाश्म के प्रमाण है। इन विश्लेषणों ने मंगल ग्रह की हर चीज के बारे में जानने के लिए व्यग्रता और बढ़ा दी, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी शामिल हो गए। अगर इस खोज की पुष्टि हो गई, तो ये हमारे ब्रह्मांड की एक विस्मित कर देने वाली खोज होगी जिसे विज्ञान अभी तक जान सका है। इस विचार तक पहुँच पाना या इसकी प्रेरणा भी हमारी परिकल्पनाओं से परे है। के बाहरी हिस्सों में एक अजीब गरीब उल्का पिंड पाया गया। इसके रासायनिक निशान उस पदार्थ से मिलते जुलते थे जिसे आमतौर पर सिर्फ दूरबीन से ही देखा जा सकता है। वो पदार्थ था एक ग्रह का वेस्टा, जो कि अंतरिक्षीय चट्टान का एक टुकड़ा था। उसके जो टुकड़े पृथ्वी पर गिरे वो उल्का पिंड थे। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे शक्तिशाली दूरबीन से भी वेस्टा की बारीकी नजर नहीं आती। 550 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा होने की वजह से भले ही ये बड़ा लगता हो, लेकिन आकाशीय संदर्भ में ये छोटा है। अंतरिक्ष की विशाल योजना में ग्रहिकाएं जो लाखों चट्टानों के पिंड हैं, ये मुख्यतया मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच परिक्रमा करती हैं। वास्तव में ये बहुत छोटी हैं और इनको अच्छी तरह से देखने के लिए इनके बहुत करीब जाना होगा। ग्रहिकाओं की ब्यौरेवार रूपरेखा सबसे पहले हमें गैलीलियो नाम के अंतरिक्षयान से मिली। बृहस्पति ग्रह तक पहुंचने के क्रम में ये इनमें से दो के नजदीक से गुजरा, 1992 में गैस्परा पर से और उसके बाद 1993 में आइडा पर से। आइडा ने हमें चौंका दिया। उसके चारों तरफ पत्थर का एक टुकड़ा आ रहा था जो आइडा का अपना चांद था, शायद उसी का एक टुकड़ा जो किसी जमाने में दूसरी ग्रहिका से टकराकर आइडा से अलग हो गया था। ग्रहिकाओं की खोज करने वाला अंतरिक्षयान निया पृथ्वी के आसपास अपनी खोज यात्रा पर निकल पड़ा। छप्पन में प्रक्षेपित यह अंतरिक्षयान पहली बार किसी ग्रहिका का ब्यौरेवार अध्ययन कर रहा है। यह 6 करोड़ मील की यात्रा 3 साल में पूरी करेगा। इसका लक्ष्य एरोस नाम की ग्रहिका है जो 33 किलोमीटर लंबी और 13.5 किलोमीटर चौड़ी है। निया एरोस तक पहुंचकर 1 साल तक इसकी परिक्रमा करेगा। सतह से सिर्फ 13.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करते हुए यान उसके स्वरूप, गुरुत्वाकर्षण और रासायनिक संरचना की जांच करेगा। इसका कैमरा इसकी तस्वीर 30 फुट की दूरी से भी ले सकेगा। चट्टानों के लाखों टुकड़े मिलकर तारों की पट्टी बनाते हैं। ये अंतरिक्ष के मलबे हैं जो कभी भी आपस में जुड़कर ग्रह नहीं बन सकते। इसका कारण है पड़ोसी ग्रह बृहस्पति की असाधारण गुरुत्वाकर्षण शक्ति। सूर्य की परिक्रमा करते हुए ये शांत तो लगते हैं, लेकिन ये हमारे जीवन के लिए खतरनाक है। दो पिंडों का एक दूसरे के कक्ष में घूमना सामान्य बात है, लेकिन तीसरे पिंड के आते ही पूरा तंत्र अस्त व्यस्त हो जाता है। जब हम सोचते हैं कि तारों की पट्टी में लाखों पिंड हैं, तो इसका मतलब है कि इनके बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। टकराव, गुरुत्वाकर्षण बल मिल जाते हैं और चट्टान एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, फिर वे नए पथ पर परिक्रमा करने लगते हैं। तारों की पट्टी में कई ऐसी जगहें हैं जहां ग्रह जमा हो जाते हैं और सब कुछ अस्त व्यस्त कर देते हैं। इन जगहों पर हम देख सकते हैं कि ग्रहिकाएं लापता हैं। उनमें से कुछ तो सौर मंडल से बाहर फेंक दी गई हैं, कुछ सूर्य में समा गई हैं और कुछ शायद हमारे इलाके में आकर परिक्रमा करने लगी हैं, यानी भावी खतरा। जीन शूमेकर ने सबसे पहले पहचाना था कि शायद इस तरह भटकती ग्रहिकाओं ने ही 1 करोड़ साल पहले कोलोराडो पठार की शांति भंग की थी, जब उसने यहाँ एक गहरा गड्ढा बनाया था। उनका मानना है कि इसी जगह टक्कर हुई थी। इसके सबूत यहाँ के टूटे फूटे पिसे हुए चट्टानों के रूप में मिले हैं जो इधर
बिखरे पड़े हैं। हम लोग यहाँ गहरे गड्ढे के बाहरी छोर के पास हैं। वास्तव में ये पहले एक गोल घेरा था जो ढह गया। हमें चट्टानों के कुछ ऐसे टुकड़े मिले हैं जिन पर गहरा आघात हुआ था। उस स्थान का पदार्थ उस संघातन पिंड के संपर्क में आया और वहाँ की चट्टान इम्पैक्टाइट के रूप में परिवर्तित हो गई। हम लोग ऐसे और टुकड़ों की तलाश कर रहे हैं और अगर वो मिल गए तो वो इस बात का सबूत होंगे कि गहरा गड्ढा टक्कर की वजह से ही बना था। हमें एक ऐसा ही टुकड़ा मिला भी है, काले रंग का, यहाँ पर। ये एक काला पत्थर है, बुरी तरह से कुचला हुआ। वास्तव में ये एक बलुआ पत्थर था और ये शायद थोड़ा पिघल गया है। मैं इस हाथ वाले लेंस से कुछ निश्चित नहीं बता सकता, लेकिन ये उसी तरह का पत्थर है जिसे हम इम्पैक्टाइट कहते हैं। उनमें से ज्यादातर तो बह गए, कुछ इस चट्टान के पार जाने से पहले इस पानी में बच गए, जो अब तक नीचे घाटियों तक या और नीचे कोलोराडो नदी तक नहीं पहुँच पाए हैं। एक करोड़ साल पहले यहां रहना खतरे से खाली नहीं था। अगर उस वक्त आप यहां खड़े होते जब यहां ग्रहिका गिरने वाली थी और आप उसे ऊपर से आते हुए देखते, तो पहले वो आपको एक धुंधली सी आकृति दिखती जिसकी चमक बढ़ती जाती और अंत में जमीन से टकराने से ठीक पूरा आसमान सूर्य की तरह चमक उठता और उसके बाद आपका भुरता बन जाता। इतने बड़े आकार की ग्रह का अगर लॉस एंजलिस जितने बड़े शहर गिरे तो उसे पूरी तरह नष्ट कर देगी। उस शहर का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। लगता है जोटी को इस बात की कोई चिंता नहीं है। अभी तो वो अपने आसपास की दुनिया में खोए हैं, लेकिन रात होते ही वे अपने स्पेस वॉच के काम लग जाते हैं। इस परियोजना के लिए नासा और पेंटागन उन्हें अधिक मदद दे रहा है। ये अंतरिक्ष में उन तारों पर नजर रखते हैं जो पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे हैं। स्पेस वॉच परियोजना का एक लक्ष्य ये भी है कि उन सभी तारों की खोज की जाए जो पृथ्वी के रास्ते से गुजरते हैं। हमें वैसे पिंडों में से 10% से भी कम की जानकारी है और शायद उनकी संख्या कुल मिलाकर 100 हो। हमारे पास इस तरह के पिंडों की एक सूची है जिसकी मदद से हम भविष्य की उनकी गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। तब हम कह सकेंगे कि वे कब खतरनाक होंगे और कौन कौन से सबसे ज्यादा खतरनाक है। तब हम अपना प्रयास उन पिंडों पर ही केंद्रित कर सकते हैं। थी अंतरिक्ष शस्त्रों से भरा हुआ है। करीब 1,00,000 ग्रहिकाएं हैं जो करीब 10 मीटर लंबी हैं और हर एक में 1,000 हिरोशिमाओं को नष्ट करने की क्षमता है। सिर्फ 180 मीटर की ग्रहिका 90 किलोमीटर की हिला सकती है। 3.5 किलोमीटर लंबी ग्रहिका 900 किलोमीटर के क्षेत्र को साफ कर सकती है, जबकि 7.5 किलोमीटर लंबी ग्रहिका अमेरिका के अधिकांश भाग का विनाश कर सकती है। हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? एक रास्ता तो यह है कि अंतरिक्ष यान भेजकर ग्रहिका को परिक्रमा पथ से थोड़ा हटा दिया, उतनी दूर जितना कि जरूरी है। इसके अलावा परमाणविक विकल्प तो है ही। आकाशीय पिंडों को रोकने के लिए अंतरिक्ष में परमाणविक प्रक्षेपास्त्र भेजे जा सकते हैं जो उन्हें रास्ते में ही रोक ले, लेकिन परमाणु विस्फोट के बाद और भी एक्सप्लोड हो जाएगी। आप ग्रहिका को विस्फोट से नहीं उड़ा सकते क्योंकि तब उसके छोटे छोटे सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे जो पृथ्वी पर आकर गिरेंगे। वो भी उतना ही खतरनाक होगा जितना कि एक बड़े पिंड का गिरना। दूसरी बात है कि अंतरिक्ष में परमाणु अस्त्र नहीं भेजे जा सकते क्योंकि ये भी ग्रहिकाओं जितना ही खतरनाक है। अगर हम अपनी रक्षा करें तो भी खतरा है और ना करें तो भी। पृथ्वी के चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है। एक सर्वेक्षण करके हम इतना तो कह सकते हैं कि हाँ, कोई पिंड ऐसा है जिससे हमें खतरा है, या नहीं, ऐसा कोई पिंड नहीं है। हाँ, हम धूम्रकेतुओं के बारे में अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते। एक निश्चित आकार के दो आकाशीय पिंडों में शायद धूम्रकेतु थोड़े ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि इनकी गति ज्यादा तेज होती है और ये ज्यादा शक्ति से पृथ्वी से टकराते हैं। कोई पिंड जो दुगुनी गति से चलता है उससे पृथ्वी का 4 गुना ज्यादा नुकसान होता है, और बहुत से धूम्रकेतु तो बहुत पुराने हैं जो काफी दूरी तय करके आए हैं। हम उनको पृथ्वी के नजदीक आने से 1-2 साल पहले ही देख सकते हैं और ये समय चेतावनी के लिए बहुत कम है।
तेजी से आके तुझे शून्य से अचानक आते दिखते हैं, इनका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। शायद उनकी उत्पत्ति भी ऑड क्लाउड से हुई हो, जो यहाँ से करीब 13 खरब किलोमीटर दूर है। डॉन ह्यूमंस शायद इसी का अंकन कर रहे हैं। साधारणतया ये माना जाता है कि प्लूटो हमारे सौरमंडल का सबसे दूर वाला ग्रह है, लेकिन ये सच नहीं है। चलिए तुलना करते हैं अमेरिका के सबसे छोटे सिक्के डाइम को लेकर। अगर हम इसे सूर्य के आकार का मान ले तो यहाँ से 2 गज दूर पृथ्वी का कक्ष होगा। एक फुटबॉल मैदान के 3/4 भाग यानी करीब 75 गज दूर प्लूटो की कक्ष होगी, लेकिन सौर मंडल का वास्तविक किनारा करीब 75 किलोमीटर दूर ऑड क्लाउड में है। ये धूम्र केतुओं का बादल है जिसने हमारे सूर्य को घेर रखा है। दरअसल यही हमारे सौर मंडल का अंतिम छोर है। जब हमारे युवा सूर्य की चमक और गर्मी शुरू हुई थी करीब 50 अरब साल पहले, तब इसके विकिरण ने महासंकेतन पदार्थों को ठंडे अंतरिक्ष में धकेल दिया था, जो आज तक जमे हुए पड़े हैं। यहाँ बर्फीली धूल में जकड़े हुए पदार्थों से हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ। सोलर सिस्टम ऑड क्लाउड है। एक बर्फ की गेंद की कल्पना कीजिए जिसका व्यास 10 किलोमीटर हो, और कल्पना कीजिए कि उसमें ढेर सी धूल हो। यही धूम्रकेतु है। सूर्य से दूर रहने पर भी वो वैसा ही रहता है। ये सौर मंडल की रचना के समय से ही वैसे का वैसा है। लैरी लेबोस्की धूम्रकेतु की प्रतिकृति बना सकते हैं। वो शुष्क बर्फ, अमोनिया, धूल, जैविक तत्वों और पानी का उपयोग करते हैं। वे उन तत्वों का प्रयोग करते हैं जो बहुत प्राचीन है और हमारे सौरमंडल की रचना के समय भी मौजूद थे। जब उनको मिला दिया जाता है तो वे सी बर्फ की गेंद बन जाते हैं, जिन्हें हम धूम्रकेतु कहते हैं। ये सभी तत्व हमारे अतीत के वैसे पदार्थ हैं जो अंतरिक्ष में आदिकाल से विद्यमान है। साधारणतया ये ऑड क्लाउड में रहते हैं और धूम्रकेतुओं का घर है। और क्लाउड सूर्य से बहुत दूर है और जब तक इसको छेड़ा न जाए इससे कोई विशेष खतरा नहीं है। जब सौर मंडल किसी दूसरे नक्षत्र के पास से गुजरता है या फिर गैस के किसी विशाल काय बादल के पास से, इन पिंडों के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की वजह से शायद ये और क्लाउड में स्थित धूम्रकेतुओं में हलचल पैदा कर सकते हैं, जिससे उनमें से कुछ अंतर नक्षत्रीय अंतरिक्ष में फेंक दिए जाते हैं और कुछ सौर मंडल के आंतरिक भागों तक पहुँच जाते हैं। कुछ धूम्रकेतु मुख्य नक्षत्र यानी सूर्य के करीब आते ही अपने पथ से हट जाते हैं। उनकी दिशा में हल्का सा बदलाव आता है, जबकि दूसरे धूम्रकेतु सूर्य के ज्यादा नजदीक आ जाते हैं और एक ही झटके में पलट जाते हैं, और कुछ सूर्य की अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं। कुछ धूम्रकेतु छोटे कक्षों में फंसे रहते हैं और कुछ की परिक्रमा हजारों साल तक चलती रहती है, जिसकी वजह से वे अंतरिक्ष की गहराइयों में पहुंच जाते हैं। अधिकांश समय तक तो वे अदृश्य रहते हैं, लेकिन कभी कभी वे थोड़ी देर के लिए अचानक प्रकट हो जाते हैं। जनवरी 1996 में एक जापानी खगोल शास्त्री ने आकाश में धूमिल सा बिंदु देखा। हफ्तों में ही हयाकुटा की इतिहास में सबसे ज्यादा अवलोकित होने वाला धूम्रकेतु बन गया। जब ये बर्फ का गोला सूर्य की गर्मी के संपर्क में आया तो इसने धूल और गैस छोड़ा। अंतरिक्ष में इसकी उड़ान के दौरान लाखों दूरबीनों ने इस ठंडे गोले की तरफ रुख किया। इसकी शानदार पूंछ रात को आकाश में दूर तक फैली थी, लेकिन मोर अपनी पूंछ का प्रदर्शन हमेशा नहीं करता। अपने अधिकांश जीवन में धूम्रकेतु सिर्फ बर्फ का एक नाभिक होता है, बर्फ का एक मटमैला गोला। सूर्य की गर्मी जब इसके संपर्क में आती है तब यह अपना जौहर दिखाती है। इसकी दरारों से गर्म पानी की भाप के फव्वारे, गैस और धूल निकलती है। इसके नाभिक को गैस का एक विशाल बादल ढककर छुपाए रखता है। गर्मी भरा जा सकता है। धूल और गैस की यही लकीर उसकी पूंछ है, जो सामान्यतः सूर्य की दिशा के विपरीत चली जाती है। धूल तो सूर्य की रोशनी के दबाव द्वारा पीछे धकेल दी जाती है, जब गैस सौर हवा की वजह से उड़ जाती है। कॉमेट वेस्ट, जिसका नाम इसके खोजकर्ता के नाम पर पड़ा है, अपने सबसे शानदार रूप में 1976 में दिखा।
इसके धूल का प्रभाव सूर्य की सुनहरी रोशनी की वजह से पीले दुम जैसा दिखता था, जबकि सूर्य के विकिरण से इसकी गैस भड़क उठी और इसमें बिजली जैसी नीली चमक पैदा हो गई। एलन हेल के नाम पर भी एक धूम्रकेतु का नाम है। हर शौकिया खोजकर्ता का ये सपना होता है कि वो नीले आकाश में आते ही एक धूम्रकेतु को सबसे पहले खोज ले, और हेल को ये सफलता जुलाई 1995 में मिली। मैं तारों के एक समूह को ऐसे ही समय बिताने के लिए देख रहा था, और जैसे ही मैंने दूरबीन इस विशेष नक्षत्र समूह की तरफ घुमाई, मैंने एक पिंड देखा, और शुरू में ही मुझे लगा कि इसमें कोई न कोई बात है। ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई जाना पहचाना धूम्रकेतु हो। मैसाचुसेट्स के सेंट्रल ब्यूरो इन कैम्ब्रिज में धूम्रकेतु की पहचान का एक कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ से नकारात्मक जवाब मिला, तब मेरी उत्तेजना बढ़ गई। आप इस तरह के किसी पिंड की खोज कर लें और उत्तेजित न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं वर्षों से भी ज्यादा समय से सैकड़ों घंटे धूम्रकेतुओं की खोज की उम्मीद में गुजार दिए, मुझे कुछ नहीं मिला, और जब मैं इसके बारे में सोच भी नहीं रहा था, तब संयोगवश मुझे ये धूम्रकेतु दिखाई दिया। हेल और थॉमस बॉब ने लगभग एक ही समय धूम्रकेतु की खोज की। मेरा अनुमान है कि मेरे पास थॉमस बॉब की अपेक्षा अपनी खोज के बारे में बताने की ज्यादा सुविधा थी। वो 135 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीच बैठे थे, और मैं अपने घर के बाहरी आंगन में। मुझे तो बस ऊपर जाकर अपने कंप्यूटर में विवरण डालना था और ईमेल द्वारा संदेश भेज देना था। इस सफलता के सम्मान को दोनों ने बांट लिया, और मार्च 1997 में हेल बॉब नाम का धूम्रकेतु दिखा। ये धूम्रकेतु एक तारा था। सूर्य की रोशनी और गर्मी के संपर्क में आते ही इसने 3 महीनों तक खूबसूरत नजारा पेश किया, लेकिन ये क्षणिक प्रसिद्धि थी। ये फिर वापस अगले 3,500 सालों के लिए अंधेरे और जमे हुए गुमनामी में विलीन हो गया। सूर्य जो धूमकेतु की जिंदगी को खूबसूरती देता है, उसकी नाश का भी कारण बन सकता है। सभी धूम्रकेतु इसके पास से बचकर नहीं निकल पाते। सूर्य की असाधारण गुरुत्वाकर्षण क्षमता इनको खींच लेती है और ये उसमें जलकर राख हो जाते हैं। बृहस्पति भी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से इनको अंदर खींच लेता है। बाहरी ऑट क्लाउड से आने की वजह से ज्यादातर धूम्रकेतु बृहस्पति से टकराते हैं, क्योंकि इसका आकार बहुत विशाल है, जिसे धूम्रकेतु इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। जुलाई 1994 में हमने ऐसा ही देखा जब शूमेकर लेवी 9 नाम का धूम्रकेतु बृहस्पति ग्रह से टकरा गया। जिस तरह परवाने शमा की तरफ खींचते हैं, वैसे ही बृहस्पति ने धूम्रकेतुओं को खींच लिया। ये बर्फ के 9 किलोमीटर चौड़े तैरते हुए पहाड़ के टुकड़े थे। ऐसा लगा जैसे पति ने हमें फोन पर संदेश दिया और कहा कि मैं बृहस्पति पर 21 धूम्रकेतु गिराने जा रही हूँ, हर 6 घंटे पर एक, बड़े छोटे और वैसे भी जो छोटे कणों से बने हैं और एक दूसरे ठोस पदार्थों के बने हैं, सभी एक साथ एक हफ्ते के अंदर। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग इसे देखो, और हमने बस देखा। धूम्रकेतु के टुकड़ों का बृहस्पति के वायुमंडल में विस्फोट हुआ। जमीन पर स्थित दूरबीनों ने अग्निपिंडों की पहली चमक को देखा। विस्फोट की वजह से ग्रह के ऊपर चकाचौंध करने वाले चमकते बादल बन गए, जिसकी तस्वीर आधुनिकतम इंफ्रारेड कैमरों से ली गई। पृथ्वी से काफी ऊंचाई पर स्थित हबल स्पेस टेलीस्कोप से धूम्रकेतु के मोतियों की लड़ी की वो छवि देखी जो विनाश की तरफ बढ़ रही थी। पलटते हुए बृहस्पति पर सारी दुनिया की निगाहें टिकी थी। गैस के विशाल काय गोले बृहस्पति पर पृथ्वी के आकार के निशान बन गए। प्रकृति ने हमें वो दिखा दिया जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की। अगली बार चीनी मकबरों पर बने चित्रों में धूम्रकेतुओं को झाड़ू वाला नक्षत्र बताया गया है जो आकाश की सफाई करते हैं। जूलियस सीजर की मौत की स्मृति में बने सिक्कों पर एक धूम्रकेतु बना है जो उस घटना की भविष्यवाणी कर रहा है। यही बात यरूशलम की लूटपाट पर भी लागू होती है। सौर मंडल में मेरा पसंदीदा पिंड हेली धूम्रकेतु है, इसलिए नहीं कि वो सबसे बड़ा या सबसे चमकदार है, इसलिए कि इसका इतिहास सबसे समृद्ध है। इसने 3,000 से भी ज्यादा वर्षों से लोगों को बुरी तरह भयभीत कर रखा है। प्रसिद्ध
वायु पर्दे पर बने चित्र में 1066 में इंग्लैंड में हुए ऐतिहासिक आक्रमण को दर्शाया गया है, जिसमें ऊपर हेली का धूम्रकेतु बना है। जब जियोटो ने नेटिविटी नाम का चित्र 14वीं शताब्दी में बनाया तो उसने भी अस्तबल के ऊपर किसी भटकते सितारे का नहीं बल्कि हेली धूम्रकेतु ही बनाया। मार्च 1986 में हेली धूम्रकेतु पृथ्वी की तरफ बढ़ा। वरुण ग्रह से मिलकर ये सूर्य की तरफ बढ़ते हुए पृथ्वी के नजदीक से गुजरा। अंतरिक्ष की ठंडी गहराइयों में जाकर गुम होने से पहले हेली की कुछ तस्वीरें ली जा सकी, लेकिन जाने से पहले अंतरिक्ष यानों के छोटे बेड़े ने इसके कुछ रहस्यों को जान पाने के लिए इसका स्वागत किया। अंतरिक्ष यानों के इस बेड़े में सबसे पहले 2 जापानी अंतरिक्ष यान इस काम में सफल हुए। उन्होंने सुरक्षित दूरी से इसकी जाँच की। इसके बाद 2 सोवियत अंतरिक्ष यानों ने इसकी तस्वीरें नजदीक से ली। धूम्रकेतु से 9000 किलोमीटर की दूरी सुरक्षित दूरी लगती है, लेकिन धूम्रकेतु से धूल के होने वाले विस्फोट ने अंतरिक्ष यान को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। दूसरा यान था जियोटो, जिसका नाम प्रसिद्ध चित्रकार जियोटो के नाम पर पड़ा। इसका लक्ष्य था घातक नाभिक से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगाना। जियोटो की विद्युतीय आंखों की सहायता से दुनिया ने करोड़ों किलोमीटर लंबी पूंछ की उत्पत्ति को जाना। ये सिर्फ 15 किलोमीटर लंबे नाभिक से निकली थी। 50,000 टन गैस और धूल प्रति घंटे की रफ्तार से निकल रहे थे, लेकिन जियोटो बहुत नजदीक चक्कर लगा रहा था, जिसकी वजह से इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। इसकी आंखें बंद हो गईं। जियोटो ने वैज्ञानिकों को हेली के मूंगफली के आकार के नाभिक के बारे में जानकारी दी। सूर्य द्वारा गर्म किए जाने की वजह से इसकी 2 मुख्य दरारों से गैस और धूल निकलती है। सूर्य की तरफ मुंह होने पर इसकी सक्रियता और बढ़ जाती है। वास्तव में ये धूम्रकेतु पलटता हुआ चलता है और इसे 2 दिन सिर्फ घूमने में लगते हैं। हर 76 वर्षों के गुजरने पर 2 करोड़ टन गैस तथा धूल और खत्म हो जाती है। आखिरकार जो बचेगा वो एक काला निष्क्रिय पिंड होगा। धूम्रकेतुओं और ग्रहिकाओं के बीच खींची गई रेखा स्पष्ट नहीं है। धूम्रकेतु का निर्माण करने वाले वो बर्फ जो किसी जमाने में उसमें मौजूद थे, से इसकी गैस छोड़ने की क्षमता कम हो गई है, इसी वजह से ये एक ग्रहिका में बदल जाएगा। अभी भी बहुत से ऐसे सक्रिय धूम्रकेतु हैं जो पृथ्वी के नजदीक से गुजरते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा की सम्मिलित सहयोग से बना रॉसेटा अंतरिक्षयान वर्टनन धूम्रकेतु पर 2011 तक पहुंच जाएगा। वर्टनन एक छोटे केतु है। ये हर 5.5 साल पर सामने आता है। अंतरिक्षयान अपने कक्ष में रहकर धूम्रकेतु के नाभिक और उसकी गतिविधियों पर नजर रखेगा, जबकि एक लैंडर उस पर उतरकर उसमें एक नुकीली नली भेद देगा। ये नली जैविक तत्वों का पता लगाएगी। नासा एक और परियोजना मिशन स्टारडस्ट पर भी काम कर रही है। ये धूम्रकेतु के धूल को छानकर जमा करेगी। एरोजेल एक मक्खी मार कागज की तरह धूल को पकड़ लेता है तथा एक कक्ष द्वारा उसे वापस पृथ्वी पर भेज। लगता है कि धूम्रकेतु ही प्राचीन काल में पृथ्वी पर कार्बन से बने अणु और जल लाए थे, जो जीवन निर्माण के लिए बहुत जरूरी थे। वे धरती पर जीवन नहीं लाए थे, बल्कि जीवन का निर्माण करने वाले तत्व लाए थे। साढ़े 6 करोड़ साल पहले विध्वंस हुआ था। सभी प्रजातियों में से 3/4 का पृथ्वी पर से सफाया हो गया था। उस समय की चट्टानों पर इरिडियम नाम के तत्व से प्रचुर मिट्टी की पतली परत मिली है। इरिडियम पृथ्वी पर बहुत कम मिलता है, लेकिन उल्का पिंडों में ये प्रचुर मात्रा में मिलता है। हो सकता है कि एक धूम्रकेतु या कोई ग्रह का पृथ्वी पर गिरी हो और उसने मलबों का ढेर छोड़ दिया हो जिसमें प्रचुर मात्रा में इरिडियम हो, लेकिन उस आघात के क्या और भी प्रमाण मिल पाए। डॉक्टर डेविड किंग इसी की खोज में जगह गए। हमें आघात वाली जगह क्रिटेशियस युग के अंतिम काल में मिली थी। इसका पता गड्ढे से फेंके गए पत्थरों से लगा। टक्कर की जगह के जितने करीब जाते हैं मलबों की उतनी मोटी परत मिलती है। हमने हैती नाम के देश में एक बहुत ही निर्णायक खोज की। वहाँ मलबों की मोटाई करीब 0.5 मीटर है। इससे पता लगता है कि
मेक्सिको की खाड़ी में कहीं हुई होगी। इसे हमें युकेटन प्रायद्वीप में दबी गोलाकार आकृति का भूभौतिकीय सर्वेक्षण करने का सूत्र मिला। जब हमने उस ढांचे से प्राप्त चट्टानों के नमूने का अध्ययन किया तब पता लगा कि वो चट्टान एक विशाल ग्रहिका की टक्कर का परिणाम थी। इन लोगों ने 150 किलोमीटर चौड़े गड्ढे का नक्शा बनाया। ये हाल की सबसे विध्वंसक घटना की साक्षी है। किंग ने इन तथ्यों को एकत्र करके एक ठोस सिद्धांत का रूप दिया। चिक्सलुप क्रेटर का निर्माण तब हुआ था जब कोई धूम्रकेतु या ग्रहिका पृथ्वी की सतह से टकराई, और जब यह हुआ तब धूम्रकेतु या ग्रहिका वाष्प, इसने टक्कर वाली जगह के आसपास पृथ्वी की ऊपरी परत को भी वाष्पीकृत कर दिया और कई तत्वों को पिघला दिया तथा पृथ्वी की ऊपरी परत को चकनाचूर कर दिया। उसी समय इसने पदार्थों को मथना शुरू कर दिया जो कटोरे के आकार के मुंह से बाहर निकलने लगे। इसी को अब हम चिक्सलुप इम्पैक्ट क्रेटर कहते हैं। ग्रहिका या धूम्रकेतु ने पूरी प्रजातियों में से 3/4 भाग का सफाया कर दिया और इनके सबसे प्रसिद्ध शिकार थे डायनासोर्स। इस आकार के टक्कर का बहुत व्यापक असर हुआ होगा, विशेषकर स्थानीय क्षेत्र में। टक्कर के बिंदु से विशाल लहरें फैली होंगी। ये लहरें मेक्सिको की खाड़ी से बहकर मेक्सिको के समुद्र तट और अमेरिका से जाकर टकरा गई होंगी। ज्यादा साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि टक्कर से बने गड्ढे से निकला पदार्थ दक्षिणी और उत्तरी अमरीका महाद्वीपों में बट गया होगा। जलते हुए टुकड़े टक्कर से ऊपर उड़े और फिर जलते हुए मिसाइल्स के रूप में पृथ्वी पर आ गिरे। पूरी पृथ्वी पर आग की बारिश होने लगी। अगर आप पृथ्वी के होते तो मर जाते। ग्रह का तापमान एक दहकती भट्टी जैसा हो गया था। इसके साथ ही ज्यादा बारीक बल्बे तेज वेग से निकले और बहुत ऊंचे अंडाकार कक्षों में पहुंचकर वापस पृथ्वी के वायुमंडल में बरसने लगे। धूल की चादर पूरी पृथ्वी पर फैल गई और सूर्य की रोशनी को रोक दिया। तापमान बहुत तेजी से गिरा और पर्यावरण बदल गया। यूकेटॉन प्रायद्वीप पर एनहाइड्राइट्स और चूना पत्थर नाम की चट्टाने हैं जिनको वाष्पीकृत करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल या कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इसकी वजह से तेजाबी वर्षा होती है और भूमंडल गर्म हो जाता है। जितनी भी प्राकृतिक आपदाओं की हम कल्पना कर सकते हैं उन सबको डायनासोर ने छेड़ा है, और वो भी सब एक साथ। इसके बाद सिर्फ बंजर जमीन ही बच गई। क्रिटेशियस युग के खत्म होने पर प्रजातियां सदमे की वजह से खत्म हो गईं। दुनिया परिवर्तित हो गई। पिछले लगभग 5 करोड़ सालों में धूम्रकेतु जैसे विशाल काय पिंडों की टक्कर से भयंकर विनाश हुए हैं। महत्वपूर्ण विषय सिर्फ विनाश नहीं हुआ और नई प्रजातियों का जन्म हुआ। विध्वंस को रूप दिया। अगर वे प्रजातियां खत्म नहीं होती तो क्या आज हम यहाँ होते? अगर शूमेकर लेवी 9 के आकार का धूम्रकेतु पृथ्वी से टकरा जाए तो जीवन को बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि धरती से टकराने पर उससे निकलने वाली धूल और गैस का बादल सूर्य की रोशनी को ढक लेगा और उससे प्रकाश संश्लेषण रुक जाएगा। इससे पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद पेड़ पौधे खाने वाले जीव मर जाएंगे। इन सभी मौतों का प्रभाव भोजन चक्र पर पड़ेगा। ऐसा ही हादसा 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था। अगर यहाँ टकराई ग्रहिका से सिर्फ दुगने आकार की ग्रहिका आकर पृथ्वी से टकराता है तो वो पूरी दुनिया की आधी जनसंख्या के विनाश का कारण बन सकती है। जिस हिसाब से उनका पता लग रहा है उसे कहा जा सकता है कि इस तरह करीब 1500 पिंड हैं जो पृथ्वी की कक्ष में इर्द गिर्द घूम रहे हैं। वायुमान दुर्घटना की अपेक्षा आकाशीय आघात से मरने के मौके ज्यादा हैं। इसका कारण है जब हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त होता है तो सिर्फ कुछ 100 लोग मरते हैं, लेकिन अगर एक धूम्रकेतु या ग्रहिका टकराए तो ये करोड़ों जाने ले सकती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भविष्य में भी अंतरिक्ष से हमले होंगे, लेकिन कब, इंतजार कीजिए।